हाय, दिस इज रुशाद राणा हियर और आप मेरे साथ कुमकुम भाग्य के सेट पे हैं एंड यू आर वाचिंग पीप टॉक विद बालाजी टेलीफिल्म्स। कॉलेज के साथ साथ मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया था इन 98, थिंकिंग दैट मैं मॉडलिंग करूंगा। लेकिन मॉडलिंग के ऑडिशंस देते देते आई केम अक्रॉस माय फर्स्ट ऑडिशन फॉर हिप हिप हुरे, जिस सीरीज ने मुझे लॉन्च किया, हम बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया। सो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट एक्टिंग ब्रेक। और तब तक ऐसे सोचा नहीं था कि आई विल बी एन एक्टर बाय प्रोफेशन। इट वॉज जस्ट समथिंग दैट आई वॉज पैशनेट अबाउट। मैंने स्कूल में बहुत थिएटर किया था और वो मुझे बहुत खुशी देती थी वो चीज़। सो आई सेड चलो लेट्स गिव इट अ शॉट। एंड देन हिप हिप हुरे करने के बाद आई थिंक आई रियलाइज दैट दिस इज वॉन्ट आई वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो इन कुमकुम भाग्य आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ विक्रम कोहली, दैट इज रणवीर कोहली हु इज द लीड कृष्णा कॉल हिज फादर। एंड इट्स एन अमेजिंग कैरेक्टर। आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड एंड इंडेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोरियस बालाजी टेलीफिल्म्स फैमिली। और यू नो यूजली हम सीरियल्स में देखते हैं कि जो फादर्स और मदर्स के जो रोल होते हैं वो ज़्यादातर, सॉरी टू से, लेकिन एज अ फर्नीचर उनको यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट मेरी जो वाइफ बनती है ख्याति पल्लवी, हम दोनों का कैरेक्टर एज पेरेंट्स, इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर। मैं तो मतलब प्योरली पॉजिटिव ही हूँ, मुझे बहुत अच्छे सीन्स करने को मिलते हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो थोड़े से फनी हो। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो इतने अच्छे सीन्स लिख के आ रहे हैं एंड आई एम जस्ट टोटली एंजॉइंग माई सेल्फ प्लेइंग विक्रम कोहली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑफकोर्स टैलेंट, और टैलेंट के साथ साथ आई हैव सीन दैट ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपके अंदर ह्यूमिलिटी होगी तभी आप मतलब कुछ आप अब्जॉर्ब कर पाओगे, आप सीख पाओगे। और एवरी वन नोज दिस, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो। सो आई थिंक दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वन नीड्स एज एन एक्टर, एटलीस्ट दैट्स वॉट आई फील पर्सनली। आई थिंक लक एंड हार्डवर्क बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सब कुछ लक पे छोड़ दोगे और मेहनत ही नहीं करोगे तो उस लक का क्या काम। सो आई थिंक इट्स अ टोटल बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। यू हैव टू बी लकी, बट देन बिकॉज यू आर लकी, बिकॉज यू गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड प्रूव इट टू दी अदर्स के उन्होंने आपको ट्रस्ट करके आपको इस रोल में कास्ट किया है। तो यू हैव टू प्रूव इट टू देम कि यू नो यू हैव टू लिव अप टू दैट ट्रस्ट बेसिकली। सो आई थिंक एक कंप्लीट मिश्रण होना चाहिए लक का और हार्डवर्क का। आई डोंट थिंक एनी वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। सी आई बिलीव इन वन थिंग कि आप न्यूट्रल रहिए, आप अपने सक्सेसेस को भी न्यूट्रली सेलिब्रेट कीजिए और आप अपने फेलियर्स को भी न्यूट्रली अगर आप उसको लेंगे तो आई थिंक आप इतने अफेक्टेड नहीं होंगे। सो इट्स अ आई थिंक इट्स इट कम्स विद प्रैक्टिस। आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, आप बहुत हार्डशिप्स झेलते हो, बहुत हार्ट ब्रेक्स आपको मिलते हैं, और उसके बाद आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग दैट डोंट टेक थिंग्स अराउंड यू सो सीरियसली। येस, डू योर वर्क वेरी सीरियसली, लेकिन उसका आउटकम क्या है उसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज सक्सेस फेलियर आपके हाथ में नहीं है। कोई भी ये सोच के प्रोजेक्ट नहीं बनाता है कि हम एक फ्लॉप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, सब यही सोच के काम करते हैं कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएंगे या अच्छा शो बनाएंगे। कभी कभी उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता है। यू डू योर बेस्ट एंड देन लीव इट टू द रेस्ट। एक्चुअली आई एम वेरी लकी दैट माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स माई इंडस्ट्री राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड अगर आज भी मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ उसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा। एंड नाउ दैट आई एम मैरिड टू केतकी हु इज ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई थिंक शी इज अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। और चूंकि हम दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं, शी अंडरस्टैंड्स
कि एक एक्टर को कितना टाइम देना पड़ता है, काम के बाद भी आपको खुद पे बहुत टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू गिव टाइम टू योर वर्कआउट्स, यू हैव टू गिव टाइम टू योर ऑडिशंस. तो लकीली आई एम ब्लेस्ड विथ वंडरफुल पेरेंट्स एंड नाउ विथ अ वंडरफुल पार्टनर, तो आई थिंक बैलेंस इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. आई थिंक मैं उस सुपर पावर का इस्तेमाल करना चाहूंगा विच विल गेट मी फेस टू फेस विथ मिस एकता कपूर, बिकॉज आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हर, आई हैव नोन हर सिंस डोंकीज ईयर्स, बट बहुत टाइम से उनको मिलने का मौका नहीं मिला है. सो इफ आई वुड हैव वन सुपर पावर आई वुड वॉन्ट टू यूज इट एंड डू दैट. फाइंड माई ड्रीम जॉब because I believe in keeping myself occupied and I love what I do. Absolutely day person. रात को जग नहीं सकता, that's why I hate night shoots. Absolutely, and I think I found my soulmate in Ketki and I'm very happy about it. Strength, because with strength I am sure I'll be able to help a lot of people around me. Fly करके तो क्या ही fly करता रहूंगा शायद. Hi, so अगर आपको मेरा ये interview अच्छा लगा and if you want to you know see the interviews of all your other loved actors and celebrities, please follow Balaji Telefilms channel on YouTube और like, share और subscribe करना मत भूलिए.